हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएससी रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महाराजा अजय देवगन सर के आने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन फिल्म मूवी सिंघम अगेन, जो कि आप सभी को पता है कि दिवाली 2024 पर रिलीज होने वाली है और बॉक्स ऑफिस के जितने भी रिकॉर्ड हैं उन्हें आरआईपी करने वाली है। यस, यानी कि यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इस मूवी का बोलबालिया 3 के साथ क्लैश होने वाला था, लेकिन अब ये क्लैश नहीं होगा। यस, यानी कि यहाँ पर इस बात को सुनकर बहुत सारे जो फैंस हैं वो भाई अब शॉक्ड हो गए होंगे कि भाई ये तू क्या बोला है कि यहाँ पर दोनों मूवीज के मेकर ने आपस में क्लैश करने की ठानी हुई, दोनों ही भाई साहब रेडी हैं, लेकिन तू कह रहा है कि ये क्लैश नहीं होगा। तो यहाँ पर इनसाइड रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, बहुत ही बड़े और पक्के सोर्स ने भाई साहब मुझे अपडेट दिए हैं कि सिंघम अगेन मूवी सोलो रिलीज होने वाली है और बोलबालिया 3 मूवी प्री पाउंड होने वाली है। यस, यानी कि यहाँ पर क्या फुल अपडेट है वो आप सभी को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जितने भी सिंघम अगेन के फैंस हैं, अजय देवगन सर के फैंस हैं, भाई साहब इस बात पर वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस अपडेटेड को देख सके। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते कि जब भी मैंने सिंघम अगेन और बोलबालिया 3 के क्लैश के ऊपर वीडियो बनाई, उसमें मैंने एक चीज लाजमी बोली है कि बोलबालिया 3 के जो मेकर हैं वो अपनी रिलीज डेट को भाई साहब आगे पीछे जरूर कर सकते हैं। यस, यानी कि वो अपनी रिलीज डेट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिंघम अगेन मूवी की जो रिलीज डेट है उसी रिलीज डेट पर इस मूवी ने रिलीज होना है। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो इनसाइड रिपोर्ट निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग जो रोहित शेट्टी सर है वो बोलबालिया 3 मूवी के जो प्रोड्यूसर है, यस, यानी कि आप सभी को पता है कि बोलबालिया 3 मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं टी सीरीज वाले। तो यहाँ पर अब वो भूषण कुमार के साथ भाई साहब रोहित शेट्टी मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी बातचीत चल रही है और भाई साहब अब इनसाइड रिपोर्ट्स निकल कर आई है कि यहाँ पर जो टी सीरीज के ओनर है वो अब अपनी मूवी यानी कि बोलबालिया 3 को भाई साहब प्री पॉन्ड करते हुए दिखाई देंगे। यस, यानी कि यहाँ पर उन्होंने ये बात मान ली कि हम अपनी मूवी को भाई साहब पहले रिलीज करने वाले हैं और आप दिवाली 2024 पर आकर अपनी मूवी को सोलो रिलीज कर दो। यस, यानी कि यहां पर आप कह सकते हैं कि जो रोहित शेट्टी सर ने भाई साहब काम किया ना वो काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि यहां पर अब बोलबालिया 3 भी काफी बड़ी ओपनिंग लेगी पहले रिलीज होकर और भाई साहब सिंघम अगेन मूवी दिवाली वाले दिन रिलीज होगी और बॉक्स ऑफिस पर पूरे तरीके से तबाही मचाएगी। यस, यानी कि यहां पर ये जो रिपोर्ट है मुझे कल रात को मेरा एक बहुत बड़ा और पक्का दोस्त भी है, भाई साहब सोर्स भी है, उसने अपडेट दी और उसने बोला है कि भाई तू अपडेट दे दे कि यहाँ पर सिंघम अगेन मूवी सोलो रिलीज होने वाली है। यस, यानी कि यहाँ पर सिंघम अगेन मूवी अगर सोलो रिलीज हो जाती है, क्योंकि अभी ये जो अपडेट है भाई साहब सोर्स से है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहा उसने जो मुझे बताया ना उसके मुताबिक ये है कि जो आने वाले दिन है उसमें बोलबालिया 3 के जो मेकर है वो भाई साहब अपनी मूवी की नई रिलीज डेट की अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जो कि दशहरा 2024 हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो सिंघम अगेन मूवी की रिलीज डेट है वो भाई साहब दिवाली ही है और दिवाली वाले दिन ही इस मूवी ने रिलीज होना है, इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो चेंज नहीं होने वाली। यस, यानी कि यहां पर उसने बहुत ही अच्छी न्यूज दी और भाई साहब जब ये न्यूज मुझे उसने रात में बताई तो पर्सनली मुझे नींद नहीं आई, मैंने बोला कि जल्दी जल्दी सुबह और मैं अपने जो भाई हैं उनको अपडेट दूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस क्लैश को लेकर काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड भी थे और काफी ज्यादा लोग भाई साहब सोच रहे थे कि दोनों बड़ी मूवीज और आपस में क्लैश करी तो भाई साहब नुकसान दोनों का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब बोलबालिया 3 मूवी प्री पाउंड होती है, सोलो रिलीज होती है, तो भाई साहब उस मूवी का जो कलेक्शन होगा वो 20 करोड़ से ज्यादा ही होगा, 25 करोड़ से ज्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। और दूसरी तरफ सिंघम अगेन मूवी अब सोलो रिलीज हो रही है तो भाई साहब इस मूवी का क्लैश 50 करोड़ से कम नहीं होगा। पर्सनली मेरा जो प्रेडिक्शन है, अगर ये मूवी 31 अक्टूबर यानी कि होलीडे वाले दिन रिलीज होती है तो भाई साहब इस मूवी का क्लैश आप कलेक्शन आप फर्स्ट डे का 50 करोड़ से नीचे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस मूवी का जो कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा और भाई साहब इस मूवी के अंदर जो एक्शन सीक्वेंस है वो नेवर सीन बिफोर वाले हैं। तो यहाँ पर अब ये बात कंफर्म होते हुए दिखाई दे रही है और आने वाले 2-3 दिनों में, यस, यानी कि अभी सिंघम अगेन मूवी का टीजर आने वाला है तो भाई साहब जब बोलबालिया 3 का टीजर आएगा तो उसके साथ इस मूवी की जो नई रिलीज डेट होगी उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर अब सिंघम अगेन मूवी के जो फैंस है वो रेडी हो जाए, क्योंकि भाई साहब अब सिंघम अगेन मूवी सोलो रिलीज होने वाली है दिवाली 2024 के ऊपर। तो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसी लगी हमें पढ़े जो, ताकि लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो को देख सकें।